नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो हरियाणा का दंगल और इस वक्त पूरी तरीके से हरियाणा में गदर भी मचा हुआ है। गदर सिर्फ एक तरफा नहीं है, इस वक्त गदर दोनों तरफ मचा हुआ है, दोनों तरफ यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो आम आदमी पार्टी से लगातार बैठक हो रही है, बातचीत हो रहा है लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद एक के बाद एक नेता, मतलब विधायक से लेकर कैबिनेट मंत्री तक का रैंक, मतलब ऐसे ऐसे नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं जिन्होंने कसमें खाई थी हम पार्टी के साथ रहेंगे और पार्टी के फायदे गिनवाते थे, लेकिन उन्होंने पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया दो तरफ। तीसरा बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हुए और अब जुलाना से प्रचार प्रसार कर रही है विनेश फोगाट, वो पूरी तरीके से ताकत झोंक दी है। आज तो भरपूर एकदम भरा पूरा रैली हुआ और रैली ऐसा हुआ कि विनेश फोगाट ने कहा कि मुझे अंदाजा भी नहीं था कि इस कदर लोग मुझे प्यार देंगे, मतलब गोल्ड मेडल नहीं मिल पाया था उसका दुख था, लेकिन आज ये प्यार देखकर मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि इस देश की जनता अभी भी मेरे साथ खड़ी है। विनेश फोगाट बजरंग पुनिया वर्सेस बृजभूषण की लड़ाई भी हम देख रहे हैं लगातार। तो इस वक्त विधानसभा चुनाव में हम सभी गुड़ा गणित, गठबंधन से लेकर उठापटक, सियासी उठापटक, दल बदल, सब कुछ हम देख चुके हैं और इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं आज कि पूरी तरीके से हरियाणा का विधानसभा चुनाव किन किन समीकरणों की वजह से इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है और ये जो समीकरण दिखाई दे रहे हैं क्या यही हकीकत है या वाकई में हरियाणा का विधानसभा चुनाव इस बार सियासी पराकाष्ठा को भी पार करने जा रहा है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। और आपको चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ आपको बयान सुनवा देते हैं, देखिए। हरियाणा में, आपके राज्य में भाजपा सरकार को 10 साल हो गए, 10 साल की सरकार हो गई। मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपके बच्चों की शिक्षा में पिछले 10 साल में कोई भी सुधार हुआ? क्या सरकारी स्कूल अच्छे हुए? क्या आपके इलाके में कोई अच्छा सरकारी अस्पताल है जहाँ अच्छा इलाज होता हो, जहाँ दवाइयाँ फ्री मिलती हो? क्या आपके घर में 24 घंटे बिजली आती है या बिजली फ्री है? ऐसा कुछ नहीं होता है ना ऐसा? वो बृजभूषण कर रही हैं अभी जो है, और बजरंग पुनिया की क्या हैसियत है कि मुझसे बात करेंगे? जो आदमी अपने पत्नी का इस्तेमाल कर दिया केवल कुश्ती संघ के पद के लिए और राजनीति के लिए, कांग्रेस के लिए अपने पत्नी का इस्तेमाल कर दिया, अब आज उसी पत्नी को लेकर के घूम रहा है, वो मुझसे क्या बात करेगा? देखिए, इट इज टॉक्स आर ऑन गोइंग, तो इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस, बट आम आदमी पार्टी हरियाणा में लगातार काम कर रही है। आज भी सुनीता केजरीवाल जी की वहां पर जनसभा लगी हुई है। हम पूरी तरह से तैयार हैं सारी 90 सीट्स पर लड़ने को। देखिए, हम लोग अभी आखिरी के 5 दिन में तो मेहनत नहीं करना शुरू करेंगे, काम तो चल ही रहा है वहां पे। आपको पता है हम कुरुक्षेत्र से लड़े थे सुशील गुप्ता जी, और वहां पे उनका वोट भी 5,13,416 वोट था शायद, बहुत कम मार्जिन से डिफीट हुई थी। तो हमारा ये दिखाता है कि हमारा ग्राउंड पर संगठन वहां कितना मजबूत है। सीट्स भी हम अनाउंसमेंट भी शायद 1-2 दिन में हो जाए, टॉक्स आर ऑन गोइंग एंड वी आर होपफुल कुछ निष्कर्ष निकलेगा। मैंने कांग्रेस की काफी मशक्कत के बाद जो छोटी सी लिस्ट 32 नामों की आई है उनको ध्यान से देखा, इसमें कई दागी चेहरे हैं, इसमें मामन खान भी हैं जिनके ऊपर नू हिंसा में दंगा कराने का आरोप है। इसमें एक ऐसे व्यक्ति का भी नाम है जो आज भी जेल में है, जेल के अंदर बैठकर वो चुनाव लड़ेगा। इसमें भूपिंदर सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं उनका भी नाम है, उनके ऊपर भी कई केस चल रहे हैं भ्रष्टाचार के, और एक केस में तो अभी उनकी 834 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच हुई है। देखिए, जितनी भी जानकारी आपके पास है मेरे पास भी आज जानकारी उतनी है। राघव जी ने कल आप लोगों को ब्रीफ किया होगा, अभी हम सबके पास जानकारी उतनी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से वॉलेंटियर्स, कार्यकर्ता और लीडरशिप की तरफ से मैं एक चीज कह सकता हूँ, हम पूरी तरीके से तैयार है, पार्टी के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। वर्ड गो मिलते ही
हम सारा अनाउंस कर देंगे। हम हर सीट पर, हर जगह पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, और जो भी हमें कमजोर आंकेगा वो भविष्य में स्वयं पछताएगा। इंडी अलायंस का कोई मिशन या विजन नहीं है, ये केवल अपने अपने एम्बिशन और अपने अपने कंफ्यूजन में चलते रहते हैं, और मोदी से ऑब्सेशन है और अपना अपना करप्शन बचाना है, इसीलिए कहीं पर गठबंधन कर देते हैं, फिर वो गठबंधन टूट जाता है। अब देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे को बोलते हैं हम आपके हैं कौन, दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले तक हम साथ साथ है था, पर अब अकेले हम अकेले तुम हो चुका है, और अब हरियाणा में कभी हां कभी ना चल रहा है। पता नहीं ये फिल्म कितने दिन चलेगी, परंतु जब ये फिल्म की प्रोडक्शन चल भी रही है, उसी बीच कांग्रेस पार्टी उन्हीं के एक विधायक को अपने साथ ले भी लेती है, राजेंद्र पाल गौतम, जिसके इस्तीफे की मांग एक समय पर कांग्रेस करती थी, क्योंकि उनके मंदिरों के विषय में, हिंदुओं के विषय में बहुत आपत्तिजनक बयान है। तो हर तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, कांग्रेस पूरी तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है आम आदमी पार्टी के साथ। खबर आ रही है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, बातचीत चल रही है, फिर अचानक खबर आती है भाई आम आदमी पार्टी के हरियाणा के जो नेता हैं सुशील गुप्ता जी, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें कोई कम ना आके हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अब सवाल है कि कांग्रेस कह रही है तैयार है लेकिन तैयार नहीं है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम तैयार हैं लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है। एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ पार्टी को छोड़ छोड़कर नेता जा रहे हैं, तीसरी तरफ आज आला कमान ने सख्त हिदायत दी कि भाई विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया इसको लेकर कोई बयानबाजी आधिकारिक तौर पर अब नहीं दी जाएगी, यानी तरीके पूरी तरीके से फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की गई आला कमान की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि आप किसी भी तरह का बयान नहीं देंगे, क्योंकि सामने चुनाव है और हरियाणा का जो जातिगत गुणागणित है, समीकरण है, अगर उसे देखें तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये नोटिस आया है कि कोई किसी तरह का बयान नहीं देगा, क्योंकि मामला संजीदा है, और ऐसे में अगर इसी तरीके से बयानबाजियां होती रही तो संभवतः चुनाव हाथ से निकल भी सकता है, इसलिए पूरी तरीके से साइलेंस मोड में रहिए, तैयारी पूरी करिए लेकिन मन को शांत रखिए। तो अब पूरी तरीके से इस वक्त झारखंड हरियाणा में विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से सियासी उठापटक हम देख रहे हैं। अब सियासी जो लड़ाई है वो पूरी तरीके से ग्राउंड जीरो पर अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी अपनी तैयारी, सुनने में आ रहा है कि जल्द ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान और फिर इसके बाद गठबंधन को लेकर किसी निश्चित जगह तक पहुंचा जाएगा, निर्णय तक पहुंचा जाएगा, हो रहा है नहीं हो रहा है। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के जो नेता हैं वो इस वक्त दो भाषा बोल रहे हैं, एक जो गठबंधन की स्थिति में बोलना है और एक जो गठबंधन की नहीं हुआ तब बोलना है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ प्रदीप सिंह बैज, हमारे साथ नेता भारतीय जनता पार्टी, संदीप त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस, संजीव निगम प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और आलोक पांडे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप त्रिपाठी जी, चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपसे करेंगे, ये हरियाणा में विधानसभा चुनाव में गठबंधन की कहानी कहां तक पहुंची संदीप जी? केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में होता है, और रही बात गठबंधन की, बात तो गठबंधन में अभी तक एक सरकार चल रही थी, उस पर भी एक सवाल जरूर होना चाहिए कि आपका जो है वहाँ के दुष्यंत चौटाला जी के गठबंधन का क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें। आपने जो है चुनाव के बाद उनके साथ 5 साल सत्ता चलाई और उन्होंने आप पर बहुत सारे आरोप लगाए कि आप नकली शराब बेचते हैं, सत्तक जी को हटाना पड़ा, और अभी बिज जी का जिसका आप बयान चला रहे थे, बहुत सारे आरोप थे, इसलिए वो अब पूर्व मंत्री हो गए हैं, मतलब उनकी पार्टी नहीं उनको पूर्व तक, तो जनता अब की बार पूर्व विधायक कर देगी, पार्टी ने पूर्व मंत्री कर दिया है, अब पूर्व विधायक होने जा रहे हैं, उसमें कोई दोरा नहीं है, बड़बोले मंत्री थे, टाए भगते रहते थे, इधर उधर की जनता के हितों की बात ना करके, बहुत सारे विवादित टिप्पणियां उनकी आप देखेंगे तो हरियाणा में आपको मिल जाएगी। तीसरी हमारे गठबंधन की चिंता अगर भारतीय जनता पार्टी को इतनी है
तो मैं सिर्फ उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके भी बहुत सारे ऐसे गठबंधन हैं गठबंधन के साथ कि किसी राज्य में आप लड़ते हैं वही पार्टी आपके दूसरे राज्य में खिलाफ में चुनाव लड़ती रही है, चाहे वह शिवसेना रही हो, महाराष्ट्र में उनका गठबंधन रहा है, उत्तर प्रदेश में सदैव चुनाव लड़ती थी सारी सीटों पर, भले वो पार्टी थी नहीं पार्टी थी लेकिन वो चुनाव लड़ती थी। ऐसे ही जेडीयू का गठबंधन बिहार में है, वो गोवा में चुनाव आपके खिलाफ या बहुत सारे राज्यों में आज भी वो चुनाव लड़ती है। इनके बहुत सारे इनके भी ऐसे अलायंस हैं जो कि एक राज्य में गठबंधन में रहे और अन्य राज्यों में अलग अलग चुनाव, ये पार्टियों से अपनी एक रणनीति होती है और खास करके क्षेत्रीय दलों के साथ जब गठबंधन आप करते हैं तो इस तरीके की परिस्थितियां आती है। अब छोटी चीज जिस तरीके से अनिल जी या जो भी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, 10 साल का शासन हो गया, हमने वो भी शासन इसके पहले भी चुनाव देखा था जब चुनाव के दिन आपने जो है राहुल वाड्रा जी के यहाँ आपने रेत डाली थी भारतीय जनता पार्टी के निकलने। नहीं संदीप जी, ये आरोप प्रत्यारोप की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो गठबंधन है कि बात चल रही है कि भैया अब हो जाएगा तब हो जाएगा, अब अनाउंसमेंट हो सकता है तब अनाउंसमेंट हो सकता है, ये गठबंधन की कहानी कहां तक पहुंची? और आपके नेता हो या आम आदमी पार्टी के नेता हो, वो दो बयान दे रहे हैं, एक तो वो दिखा रहे हैं कि देखिए हम सुप्रीम हैं, बट अगर गठबंधन हो गया तब हमें क्या बोलना है, और गठबंधन नहीं हुआ तो स्टैंड बाई पर एक बयान रख दिया गया है पहले की, देखिए हम तो पहले ही से अपनी तैयारी कर चुके हैं, गठबंधन हुआ तो ठीक है नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो मैं उसको जानना चाह रहा हूं कि गठबंधन की कहानी तक कहां तक पहुंची संदीप जी। हिमांशु जी, हम सभी लोगों ने लोकसभा चुनाव के पहले इस तरीके की बहुत सारे डिबेट का हिस्सा रहे हैं जहां पर इस तरीके के सवाल खड़े होते थे और हम लोग बार बार यही कहते थे कि ये गठबंधन जनता ने किया है, जनता को ये पता है कि अगर लकीर के इस पार रहना है या उस पार रहना है, जनता डिवाइड हो चुकी है। वही हाल आज जो है ताजगी है, आज जो है हरियाणा में बेरोजगारी दर में पूरे भारतवर्ष में नंबर वन है। मैं नहीं कह रहा हूँ सरकार का ही आंकड़ा है, ये भारत सरकार कह रही है, उनका आगे वाला इंजन कह रहा है कि जो है हरियाणा में सब कुछ फेल हो गया है, बेरोजगारी नंबर वन पर है। जिस तरीके से वहां पर जैसे मैंने कहा कि उनकी जो सरकार के हिस्सा रहे हैं दुष्यंत चौटाला जी, इसी सरकार पर कम से कम 10 आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार से लेकर अन्य आरोप, कोई बाहर नहीं, संदीप त्रिपाठी बोले कांग्रेस बोले एक बार बात चल जाएगी, लेकिन उनके साथ के जो सत्ता में सहभागी रहे उनके ये आरोप है, तो सवाल हो जाते हैं और बड़े खड़े होते हैं। एक बात और इसके साथ जो मैं ऐड, अभी आपने गठबंधन की बात कही तो मैं फिर कह रहा हूँ कि गठबंधन शीर्ष स्तर पर बातचीत हो रही है, क्या निर्णय होगा ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारी लड़ाई एक विचारधारा के खिलाफ है और उस विचारधारा के साथ जो भी आना चाहे उसका स्वागत है और उसके लिए आपको जो है नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, फायदा भी हो सकता है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में नुकसान झेला लेकिन जो है भाजपा को साफ कर दिया, गायब हो गई। नहीं ठीक है तो संदीप जी, ठीक है, मैं आप ही के पता नहीं अभी भविष्य के गर्त में है तो कह नहीं सकते हैं सहयोगी के रूप में हरियाणा में संजीव जी से नजदीक है। नहीं नहीं ठीक है बिल्कुल, मैं राजनीतिक तौर पर कह रहा था कि अभी थोड़ा आप ही के सहयोगी कहना इस वक्त हरियाणा विधानसभा चुनाव में थोड़ा जल्दबाजी होगा। संजीव जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो गठबंधन का ये मेल मिलाप है इसकी कहानी कहां तक पहुंची, मतलब ये हो रहा था कि भाई अब हो सकता है प्रत्याशियों के नामों का ऐलान तब हो सकता है लेकिन हो नहीं रहा, मतलब वो नहीं है कि बहुत देर हो गई हुजूर आते आते, मतलब देर नहीं हो रहा है में, जब मैच चल रहा होता है तो खिलाड़ी यहाँ पर पैड बांधे तैयार बैठे रहते हैं, अगर मैदान से खिलाड़ी आउट हो रहा है तुरंत जो है इधर से नेक्स्ट प्लेयर रेडी बैठा है गया मैदान में, तो हम अपनी तरफ से हमारी जो तैयारी है हम आज से तो नहीं कर रहे हैं, एक दिन से, पिछले काफी समय से हमारा संगठन है हरियाणा में बन रहा है, हर जगह हमारी मीटिंग्स हो रही है, मिसेस सुनीता केजरीवाल जी जा रहे हैं, संजय जी जा रहे हैं, भगवत मान सब जा रहे हैं, सारी तैयारी हमारी पूरी है, हम अपना पैड वेड वाले तैयार बैठे हैं मैदान में जाने के लिए, लेकिन इनके सबके बावजूद अगर गठबंधन धर्म जो है हम गठबंधन के पार्टनर हैं, इंडिया गठबंधन एक नेशनल लेवल पर बना हुआ गठबंधन है पॉलिटिकल, तो इसमें अगर कोई प्रस्ताव एक आया राहुल गांधी जी की तरफ से तो उसमें चर्चा हो रही है किन 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 बिंदुओं पर कैसे कैसे क्या और हो सकता है बेहतर, क्योंकि हमेशा गुंजाइश बनी रहती है, आप कितना भी करो और उससे बेहतर हो सकता है इसकी गुंजाइश बनी रहती है, तो इन्हीं सारे पहलुओं पर बातचीत चल रही है।
और हर एक पार्टी को अपनी पूरी आजादी है, पार्टी के अंदर नेताओं को पूरा फ्रीडम है कि वो अपनी बात कहें, अपने जो शीर्ष नेता है उनके पास रखें, तो उन सारी चीजों को इतना आसान नहीं है। तो सारे पहलुओं पर जो है मैं समझता हूँ पूरे भरोसे के साथ कल इसमें तस्वीर जो है ये क्लियर हो जाएगी। इसमें जो अभी धुंधलापन छाया हुआ है, कल सोमवार तक जो है इसमें काफी आपको बादल छट जाएंगे और स्पष्टता नजर आएगी। तो ये तो रही बात, और ऐसा हरियाणा के अंदर जो मौजूदा सरकार है, इस सरकार से लोगों का भरोसा उठ गया है, क्योंकि ये सरकार डबल इंजन की बात करते हैं। अब इनके जहां जहां डबल इंजन के हैं, दोनों इंजन इनके जो है मतलब तरीके से कहा जाए जंग लगता जा रहा है। तीसरी इंजन आपने देखी, लोकसभा में आपने देख ही लिया क्या स्थिति है, तो विधानसभाओं की स्थिति भी बहुत दिल्ली वाली स्थिति भी बताई दीजिएगा संजीव जी। नहीं तो दिल्ली में क्या, जो सेंटर में चल रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। नहीं आपने एग्जांपल दिया तो मैंने पूछ लिया कि भाई दिल्ली में तो दोनों लोग एक साथ बैठिंग कर रहे थे ना। कैसे कैसे ये जो केंद्र में सरकार बैठी है, कैसे मतलब कमजोर जिसको बोलते हैं वीक, जो इनकी जो है दहाड़पन होती थी आप साफ दिखाई पड़ रहा, वो दहाड़पन जो आप 303 में बोला करते थे पहले 272 पार कर। इसीलिए एक सेकंड संजीव जी, इसीलिए आप लोग एक हुए थे कि वो जो दहाड़ना था वो कम हो जाए बाकी सब ठीक है। नहीं नहीं वो तो धारणा कब हुआ, जनहित में आप एक सीमा होती है, एक सहन शक्ति होती है हर एक की, भारतीय हम लोगों को है उनकी सहन शक्ति खत्म होती जा रही थी। आपने किस तरीके से उनको छला भाई, आपने अपने शासन में ना तो आपके उसमें जो है हमारी महिलाएं सुरक्षित है, ना हमारे नौजवानों के लिए भले के लिए, हर जगह पेपर लीक हो रहा है, हर जगह पेपर लीक हो रहा है, ना आपने हमारे पहलवानों के लिए हरियाणा की अगर बात करी जाए, ना किसानों के लिए, आपके पास बड़े बड़े नेता है ओक से रक्षा अच्छे वक्ता है जी, स्मृति ईरानी वो जमीन में पैर ही नहीं रखती थी, पार्टी आसमान में करती थी, उनको समय आया और एक साधारण से कार्यकर्ता ने कांग्रेस पार्टी की उनको जो है धूल चटा दी वहां गया। और अब दूसरी नई नवेली नेता इनकी तैयार हो रही है, मंडी से जो सांसद है कंगना रनौत, वो भी बहुत बढ़िया वक्ता है, वो भी समय समय पर बात करती रहती है, तो उसका भी इन्हें हंस भेजना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की पुनरावृत्ति हरियाणा में नहीं होने जा रही है, ये स्पष्ट है, ठीक ये है। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है संजीव जी, वहां के लोग बता रहे हैं। ठीक है मैं आपके पास आऊंगा प्रदीप सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। वो कहावत सुनिए ना कि इसे शब्दशः मत लीजिएगा, वो कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो यहां पर इस वक्त हरियाणा विधानसभा चुनाव में यही तो नहीं हो गया है कि आपका जो बिगेस्ट कॉम्पिटिटर थे वो कांग्रेस वाले थे, अब भैया ये आम आदमी पार्टी वाले सुर से सुर मिलाने आ गए हैं, और आप कहते कहते कि भाई देखिए ये एक साथ नहीं हो सकते, एक साथ नहीं हो सकते, लोकसभा चुनाव में ये एक साथ हो गए, परिणाम क्या आया वो छोड़ दीजिए लेकिन एक साथ हो गए। अब विधानसभा चुनाव में आप कह रहे हैं ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, एक साथ नहीं हो सकते, ये संजीव निगम जी कह रहे हैं कि कल तक निर्णय भी हो जाएगा, फाइनलाइजेशन भी हो जाएगा और हम बीजेपी को पटकनी दे देंगे। प्रदीप सिंह जी, हाँ दुबे जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, थोड़ा मेरे को इको हो रही है, उसको सही करा दीजिए। ठीक है, बाकी मैं एकदम ठीक है, रगड़ के तैयार बैठा हूँ। जी बोलिए। तो दुबे जी, 14 में हरियाणा में चुनाव हुए थे, मतलब आम चुनाव के बाद, फिर 19 में हुए थे और फिर 24 में हो रहे हैं, बाकी हर राज्यों में आम चुनाव विधानसभा चुनाव होते हैं, एनडी गठबंधन के नेता आंशिक पूर्ण अर्ध जो भी उनके सहयोगी होते हैं वो सब एक स्टेटमेंट देना शुरू करते हैं। वो स्टेटमेंट कैसा होता है, उस समय के स्टेटमेंट जो पिछले तीन आम चुनाव और तीन विधानसभा के चुनाव हुए उनके स्टेटमेंट और अब के स्टेटमेंट में कुछ नया हो तो बताइए, अगर नया नहीं है तो फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप बताइए अपने अनुभव से, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि ये जो स्टेटमेंट अभी निकल रहे धनाधन धनाधन धनाधन, इसके पहले टकाटक और कुछ भी निकला, तो उसमें और अब में नया क्या है? नहीं तो वो तो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि वो जो दहाड़ के बोलते थे देखिए वो कम हो गए। दहाड़ के बोलते थे कम हो गए, कौन कम हो गया? अरे वही तो संजीव जी ने क्या कहा, वही तो वो कह रहे हैं कि ये देखिए वो जो दहाड़ के बोल रहे थे मनमानी कर रहे थे, अब हमने ऐसा दबाव बनाया मिल करके कि अब वो दहाड़पन जो थी वो निकल गई। राहुल गांधी का बयान भी आपने सुना ही होगा प्रदीप सिंह जी। हाँ नहीं, एक बार कौन से राहुल गांधी जी के बयान तो बहुत सारे आते रहते हैं, ठकाटक से लेके फटाफट और फकाफक बाहर भी चले जाते हैं, कौन से बयान के आप यहाँ पे कर रहे हैं वो जरा बता दीजिए, तो फिर आगे बात की जाए। अरे नहीं, वो बयान नहीं सुने क्या आपने जो उन्होंने कहा था कि भाई ये देखो प्रधानमंत्री जी के सामने ही लोकसभा में बैठता हूं मैं, पहले बहुत दहाड़ के बोलते थे लेकिन अब बहुत साइलेंस से रहने लगे हैं और हम जो चाहेंगे वो करवा सकते हैं, मतलब एक तरीके से उन्होंने खुला ये कहा कि मनमानी नहीं चलेगी बिल्कुल।
अरे मनमानी चलती कब थी? हो सकता है राहुल जी की श्रवण शक्ति थोड़ी कम हो गई हो, प्रधानमंत्री अभी भी उसी हिसाब से बोलते हैं, उसी हिसाब से निर्णय लेते हैं। अब आते हैं इनके गठबंधन की बात पर, इनकी नियत और इनके कार्यक्रमों पे। तो भाई साहब देखिए, चुनावी वर्ष जब होता है तो क्या क्या स्थितियां और परिस्थितियां बदलती है वो हमने सभी ने देखा है। और जहां तक कांग्रेस की बात रही और जहां तक ये आम आदमी पार्टी की बात रही, दिल्ली में भी अलायंस हुआ था आम चुनाव में, हरियाणा में भी हुआ था, अभी भी बात चल रही है। रोडमैप क्या है? कोई रोडमैप है इनके पास? कोई अनुभव का रोडमैप है? कहां मोहरा बनाया, किसको मोहरा बनाया, किस प्रकार से चलाया, किस प्रकार से देखा? सर वो कांग्रेस से मैं एक विनती करूंगा और आम आदमी पार्टी से कि विज्ञापनों का वो युग चला गया जिस युग की आप कल्पना कर रहे हैं। अब जनता सब देखती है, समझती है और जानती है। तो अगर आप ये सोचें, देखिए राजनीतिक दल है, लोकतंत्र में आप कटाक्ष करिए, हम कटाक्ष का जवाब देंगे और फिर हम भी कटाक्ष करेंगे, आपके पास जवाब नहीं होगा। लेकिन असल मापक तो जनता होती है जब चुनाव होता है। एक सेकंड प्रदीप जी, महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ जनता ये भी देखी होगी, और किसानों के साथ क्या हुआ जनता ये भी तो देखी होगी ना, वही तो कह रहे संजीव जी। तौर पे निश्चित तौर पे तो जनता करेगी ना उसका निर्णय। आप हमने तो देखे, हम तो सीधी जनता की, जनता जनार्दन, हम जनता की बात कर रहे हैं। लेकिन ये किस हिसाब से काम कर रहे हैं और कितना धोखा दे रहे हैं और किस प्रकार से अपने रणनीति तय कर रहे हैं, उसके पीछे का क्या हुआ, ये जनता ये भी देख रही है कि बीते 1.5 सालों में किस प्रकार से हरियाणा के लोगों के साथ क्या क्या किया इन लोगों ने, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने, तो ये भी तो जनता देख रही है ना। ठीक है प्रदीप सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। आलोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए सारी कहानी का लब्बो लवाब यही है कि भाई एक बैकफायर तो हमेशा बनाकर रखिए, बयान ऐसे दीजिए कि कल को अगर मेल मिलाप हो जाए तो दिक्कत ना हो, और अगर संबंध टूट भी जाए तो ये कहा जाए कि भाई देखिए हम तो पहले ही ऐसा बोले थे। तो आप ये हरियाणा विधानसभा चुनाव जा कहां रहा है, ये गठबंधन प्लस गठबंधन वर्सेस गठबंधन होने जा रहा है या सब अपना अपना लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आपका आकलन क्या कहता है आलोक जी? देखिए मेरा मानना है कि कांग्रेस के लिए बगैर गठबंधन के जाना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि कांग्रेस की शक्ति हरियाणा में ठीक है और आम आदमी पार्टी इतनी ताकतवर है नहीं। वैसे ही जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में ताकतवर है, वो कांग्रेस ताकतवर नहीं। तो एक में शून्य कितने भी लगा हो एक ही रहेगा। जैसे दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी थी, कांग्रेस शून्य थी, इज इक्वल टू वन। हरियाणा में कांग्रेस एक है, अब आम आदमी पार्टी शून्य है, मुझे नहीं लगता कि बहुत फर्क पड़ेगा। कांग्रेस ताकत वाले, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो रहा है। अब राहुल गांधी ने किसका सलाह दे दिया, और राहुल गांधी जाने नहीं तो आलोक जी, आलोक जी जो आप कह रहे हैं, अगर ये माना जाए कि भाई देखिए कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने के दम में नहीं है, तो 2014 और 19 को आंकड़े को देखा जाए तो इनके सांसद भी बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन विधानसभा में तो एज लिया ना, इस बार तो 5 सांसद है महाराज, इस बार तो बीजेपी के लिए खतरा तो है ही ना, गले की हड्डी तो बनी सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस ताकतवर है जी, फिर उसे गठबंधन की क्या जरूरत है? अगर कांग्रेस जीत भी रही है, विश्वास से लबरेज है, ठीक है, ये बात तो कह ना कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस है हरियाणा में, बाकी सब चीजें साइड लाइन, या तो बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी। अगर कांग्रेस जीत रही है तो राहुल गांधी को भरोसा क्यों नहीं, गठबंधन का ये प्रयास क्यों कर, आम आदमी पार्टी का भी सिद्ध नहीं किया, हरियाणा में कितना जीती है आम आदमी पार्टी। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये क्या रणनीति है कांग्रेस की, वो कांग्रेस अपना बताएगी। दूसरी बात हम आते हैं आम आदमी पार्टी, बगैर दुर्नीति आम आदमी पार्टी इनका दूंगा तो जेल में है। अब ये तो दूल्हा नया बने हैं, दूसरे को मुख्यमंत्री बनाए, दूल्हा चुने, बगैर दूल्हे के बारात में कोई महत्व होता है क्या? दूल्हा जेल में, इतिहास में। तो इसलिए पहले कांग्रेस एक नया, आम आदमी पार्टी नया दूल्हा चुने, नया दूल्हा चुने, जेल में नए मुख्यमंत्री होते हुए। तो आम आदमी पार्टी जो बगैर दूल्हे की है, वैसे हरियाणा में ताकतवर नहीं है, उनका दूल्हा उनका जेल में है। तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी बहुत कुछ हरियाणा में करने वाली है। दूसरा, आम आदमी पार्टी कितना रोल मॉडल दे रही दिल्ली का, बोले देखो हमने मुख्यमंत्री चुना, आपने चुना, और हम मुख्यमंत्री, देखो हमारा मुख्यमंत्री जेल जाएगा, जेल से सरकार चलाएगा, और हरियाणा में चुना आपने तो हम भ्रष्टाचार करेंगे, जेल जाएंगे और फिर उसे मुख्यमंत्री रहेंगे। ये आम आदमी पार्टी की रणनीति है, नैतिकता तो आम आदमी पार्टी के है नहीं। भाई आप बताइए, झारखंड का मुख्यमंत्री जेल जाता है, वो इस्तीफा देने जाता है, भारत के जितने मुख्यमंत्री है लालू यादव के इस्तीफा देने गए, अरविंद केजरीवाल एक बहुत बंदा है जो कहता है आलोक जी,
ये अगर इस्तीफा देके जाते तो वही हाल हो जाता वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वाला, कि लौटे तो पूरी की पूरी पार्टी जो है डिस्टर्ब हो गई पूरी तरीके से, मुख्यमंत्री पद तो हालांकि मिल गया उनको लेकिन पार्टी तो टूट गई ना। क्या अरविंद, हो सकता है अरविंद केजरीवाल के भी ऐसा हो सकता है उनके साथ, हमने बिहार का भी एग्जांपल देखा है, झारखंड का तो अभी नया नया देख ही रहे, तो इसी वजह से उन्होंने नहीं दिया कि भैया हम नहीं देंगे हम अंदर से चलाएंगे, चला रहे हैं वो। अच्छा ये बताइए पार्टी में डिफरेंस नैतिकता, आरोप मंत्र लगने पर इस्तीफा, यही तो कांग्रेस पार्टी। मेरे शहर की मेरी बहन है, उनकी उम्र 5 साल कम हो गई, इस तरह के नैतिक आरोप लगाया उन्होंने, ठीक है। तो जो पार्टी पार्टी का डिफरेंस नैतिकता के आधार पर वो मतलब जेल से, और तुम्हारा नेता तो इतना कमजोर है जब यार दीदी को बना देते, लालू यादव जेल गए जब दीदी को बना दिया था ना, तुम क्या कर रहे हो, किस आधार पर आ रहे हो और क्या करने रिश्ते तक आम आदमी पार्टी को आपने दिल्ली के लोगों को छल दिया कि आप मुख्यमंत्री बनने आए थे लोगों की सेवा करने के लिए, चुनाव के पहले ये परेशान थे और सुनीता देवी और संदेश भेजा करते थे और आप चुनाव के तौर पर दिल्ली की जनता बगैर वोटों के जनता जेल में दिल्ली की जनता लवारिस थे, अभी मुख्यमंत्री है केजरीवाल को इस आधार पर इस्तीफा नहीं दे रहे कि पार्टी में कुछ डिस्टर्बेंस हो जाएगा, डिस्टर्बेंस के सच के आधार पर आप जेल में बंद है और दिल्ली को आपने निराशित छोड़ रखा है। ठीक है आलोक जी, मैं ठीक है मैं आपके पास आऊंगा। संदीप जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, संजीव जी उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। संदीप जी देखिए इस वक्त सब ये कह रहे हैं कि भाई अगर कांग्रेस इतनी मजबूत है, 5 से इस बार तो आपके पास सांसद भी हैं, अगर आप इतने मजबूत हैं तो आपके धुर विरोधी जो पंजाब में आपके साथ नहीं है, लोकसभा चुनाव में बात हुई थी लेकिन वो कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव में देखिए हम किसी को गले नहीं लगाएंगे, हम स्टैंड ऑन एलोन वाली लड़ाई लड़ेंगे, आखिर क्या मजबूरी पड़ गई, मजबूरी है या अभी जरूरी है क्या है वो आप जानिए, लेकिन जब आप इतने मजबूत थे कि आप बीजेपी को हरा सकते हैं, आप पूरी तरीके से तैयार हैं और अब तो आपके पास विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे चेहरे भी आ गए हैं आपकी पार्टी में, तो जरूरत क्या पड़ गई संदीप जी? शिवम जी पहली चीज तो आलोक जी ने खड़े किए और बहरहाल काम है, बैटिंग बहुत बढ़िया करते हैं तो बहुत बार बोलते, लेकिन सिर्फ ये बताइए उन माधव जी को ये सवाल कभी ख्याल में सपने में नहीं आते कि मोदी जी जो 56 इंची सीना दिखाते हैं और विश्व के सत्ता है तो 38 दलों के साथ क्यों लेके चलते हैं, क्या इनके मामा मौसी चाचा फूफा लगते हैं क्या, काहेली 38 दलों का गठबंधन है, हमसे ज्यादा पार्टियों का गठबंधन है, अगर इतने बड़े एक विश्व गुरु पॉलिटिशियन है तो का जरूरत है जो है जो खूब गरियाए थे इनको नीतीश जी को साथ लेने की का जरूरत थी, काहेली अड्डा बना लिए भाई, काहेली आप जो है आज से जाकर झारखंड में गठबंधन करते हैं भाई, आप तो सर्वमान्य सर्वो विश्व नेता है तो काज नहीं था गठबंधन के, ये सवाल आलोक जी को पूछ लेना, ख्याल चाहिए लेकिन ख्याल एक तरफा आता है, दिक्कत दिमाग दो होता है, छोटका बड़का, छोटका काम करता है, बड़का वाला इनका डाउन है, दिक्कत ये है। दूसरी चीज जब आगे बढ़ते हैं, हमारे प्रदीप भैया बड़े विद्वान व्यक्ति है, बनारस की हवा लगती है, वहां पर एक क्रिया होती है तंत्र क्रिया, तो हमारे प्रदीप भैया ये बहुत रुचि रखते थे तो रुचि का असर इस पर पड़ जाता है। सिर्फ साहब हम बात कह रहे हैं कि हरियाणा में अगर आप कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है तो दो सवाल है आपसे, आप उस समय हरियाणा के जो इसके पहले चुनाव हुए थे आपने रॉबर्ट वाड्रा के यहाँ ईडी की जांच की थी, उसमें क्या निकल कर आया जनता को बता दीजिए कि उस समय ये निकल कर आया था, अगर रॉबर्ट वाड्रा जी इस गलत किए थे तो आज वो बाहर क्यों है, जेल में होना चाहिए 10 साल से, क्या आपकी सरकार घूमे छील रही है क्या, पहली चीज। दूसरी चीज आपके सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस ने नहीं लगाया, आपके गठबंधन साथी ने लगाया, उस पर आपकी क्या राय है। तीसरी चीज आपने वहां पर किसानों को किस तरीके से प्रताड़ित किया, 250 किसान हरियाणा के आपने हत्या कर दी है, हमारे लिए शहीद है, आपने हत्या की है। उसके बाद आते हैं हरियाणा के जवान
जो सेना के जवान बनकर इस देश की ढाल बनते थे, आपने उनको नौकर बना दिया। अडानी अंबानी का नौकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चार साल बाद जाकर वो उनके यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा। और यार 75 साल की उम्र में तीसरा कार्यकाल ढूंढ रहे हैं और उसको 4 साल की आप नौकरी दीजिएगा। कर्म करिए साहब, अग्निवीर जैसी योजना लेके आते हैं जहां पर हरियाणा सबसे ज्यादा इफेक्टेड होने वाला राज्य है। ये बात हो गई किसान और जवान की, महिला की बात कहना ही क्या। गुंडे का अभी आपने बयान चलाया, मतलब इनकी हिम्मत नहीं। उसने मुंह खोल कर कहा कि अगर भाजपा हम पर हिम्मत हो तो कार्रवाई दिखाए, हम इसकी कलाई खोल दूंगा। बड़े बड़े नेताओं की कलाई खोल दूंगा, मैं आज से नहीं हूँ। ये जो रंगे भी आज आए हैं, इनके पहले का मैं नेता हूँ। टंके की चोट पर मोदी जी बैठ गए, दिल में घुस गए अडानी वाली गुफा में, हिम्मत नहीं पड़ी उनकी। ये कार्रवाई संदीप जी अपने बहादुर बनते हैं। नहीं संदीप जी, एक सेकंड, आरोपों की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, एक सेकंड संदीप जी, समझ ले लीजिए। ये मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अरविंद केजरीवाल कैसे नेता है, मतलब ठीक ठाक नेता है ना, बढ़िया है, अच्छी छवि वाले। नहीं देखिए सर, आपके चैनल पर अगर ये बात आप कहेंगे, बहुत ही ओपनली मैं कहता हूँ, बहुत बार मैं कह चुका हूँ कि राजनीति उनकी अन्ना हजारे आंदोलन से हुई है और वो अन्ना हजारे का आंदोलन भाजपा प्रेरित आंदोलन था। उस आंदोलन से ये निकल गया और उस आंदोलन का इस्तेमाल किया और जिस भी व्यक्ति ने शीला दीक्षित जैसी नेता पर सवाल खड़े किए थे उनकी सजा यही भुगत कर जाना पड़ता है। आप समझिए संजीव जी, सुनते रहिएगा अच्छे से, सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी नेता हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीति के लिए जिन तथ्यों का और उसका इस्तेमाल किया और जिस नेता के खिलाफ किया, कहीं क्या संजीव भाई जी सहमत होंगे कि शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी एक व्यक्ति दिल्ली का कहे कि दिल्ली इसलिए कि मैं 2007 के पहले भी गया हूँ दिल्ली और उसके बाद भी गया हूँ। संदीप जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी तक आपने कहा हो सकते हैं, मतलब केजरीवाल अभी अच्छे नेता नहीं है, आप नहीं मानते? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा सर। हाँ, वही बात आप कह रहे हैं। अच्छा बता ही दीजिए, मतलब ठीक ठाक नेता है ना। हमने ये कहा कि उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत में जिन तथ्यों के आधार पर वो पॉलिटिक्स में आते हैं, उनके वो तथ्य गलत थे। वो बिल्कुल ईमानदार नेता है, बिल्कुल अच्छे नेता है। और मैं तो उनको छोटका मोदी कहता हूँ। भाजपा वाले तो खुश होना चाहिए, तो भाजपा हैप्पी हो जाना चाहिए, हैप्पी हैप्पी गार्डन हो जाना चाहिए। और आलोक जी जैसे लोगों तो और खुश हो जाना चाहिए। हम तो उनको छोटका मोदी बोलते हैं भाई, आपको काहे नहीं बुरा लगता है? अरे मोदी मुख्यमंत्री है, छोटके मोदी वाले, अगर आप इनमें गुण, अगर मोदी जी में गुण मानते हो तो उनमें भी गुण है। और प्रदीप जी की एक बात का दे देता हूँ कि हमारी राजनीति में नया क्या है। हमारी राजनीति हरदम निरंतर भारत के इस परिदृश्य को प्रदर्शित करती है। जैसे भारत बदलता है, वैसे कांग्रेस की राजनीति उसी के साथ बदलती है और वो हरदम सदैव निरंतर एक गति के साथ चलता रहता है। ठीक है, आपको ठीक है संदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा। मैं आपके छोटा सा पॉइंट है सर, छोटा सा पॉइंट, जल्दी से जरूरी विषय है। 2010 सितंबर में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में एक आंदोलन चलाया, उसके सहयोग से जाट आंदोलन आरक्षण के लिए, समझिए सर। इन्होंने पटरी उखाड़ दी, बहुत बड़ा दंगा कराया। सब 10 वर्ष से भाजपा की सरकार केंद्र में है, आपने जाटों को आरक्षण नहीं दिया। इसीलिए हम आज कह रहे हैं जातिगत जनगणना लेके हम आएंगे। और जाटों को ही नहीं, जो भी हमारे वर्ग पीछे छूट गए हैं, या इवन अगर सवर्णों में भी कोई पीछे छूट गया है, तो पांडे जी का तो हम जरूर ख्याल रखेंगे। भाजपा वालों ने भले नहीं रखा होगा, अगर गरीबी ठीक है संदीप जी, भाजपा का माल पानी ठीक है तो नहीं करते। मैं आपके पास आऊंगा हमारी संजीव जी निरंतर एक सेकंड, मैं आपके पास आऊंगा संदीप जी। मैं संजीव जी के पास जा रहा हूं। संजीव जी, आपकी भी पार्टी ये कह रही है कि भाई देखिए, हम पूरी तरीके से सभी विधानसभा सीटों पर हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं, हम पूरी तरीके से तैयार हैं, पूरी मतलब हम पूरे बंठन के तैयार हैं, बस चुनावी मैदान में उतरना है और फिर इस पार से उस पार तक की लड़ाई लड़नी है। मेरा दो सवाल है आपसे, आपको कांग्रेस से गठबंधन करने की क्या जरूरत पड़ गई जब आप कह रहे हैं कि हम भी पूरी तरीके से तैयार है? दूसरा, ये राहुल गांधी कैसे नेता है, मतलब बढ़िया नेता है ना, वही सवाल मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ। राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं आपको? नहीं नहीं,
राहुल गांधी जी इस समय जो है विपक्ष के नेता है और विपक्ष के नेता है तो सर्वमान नेता है विपक्ष में, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अब मैं आता हूँ इंडिया गठबंधन की बात करता हूँ। इंडिया गठबंधन देखिए कोई भी गठबंधन है वो कोई भी चीज है, अगर हम मिल करके लड़ रहे हैं, हमने अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव लड़ा, आपने नतीजे भी देखे, उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन भी देखा, तो ये फर्ज है, ये धर्म है हम दोनों का कि अगर उसमें अलग अलग तो भाई उनकी अपनी है अलग तैयार है, हमारी अपनी अलग तैयार है, लेकिन इनके बावजूद चूंकि इंडिया गठबंधन के हम पार्टनर है, अगर इसमें और कोई बेहतर किया जा सकता है और कोई अच्छी गुंजाइश है तो उस पर बैठ करके चर्चा हो रही है। आपने उत्तर प्रदेश में देखा जी, अब प्रदर्शन की बात आप कर ही रहे हैं कि आप इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़े और आप कह रहे हैं कि हम हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, इसी लोकसभा चुनाव में आप अपना प्रदर्शन बता दीजिए, दिल्ली में कैसा था, हरियाणा में कैसा था? नहीं, हरियाणा में दिल्ली में कैसा था ये कुछ छिपा थोड़ी है, हमने दिल्ली में जो भी कुछ किया सबके सामने, हमने एक दिल्ली का जो रहा है पीछे ट्रेंड काफी सालों से जो है मोदी साहब को जाता रहा है लोकसभा में और विधानसभा में, आम आदमी पार्टी के पक्ष में आता रहा है। एक बार हमने ये नया प्रयोग किया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर करके, अब नहीं करेंगे, देखेंगे। अभी तो लोकसभा का चुनाव फिर बहुत दूर है, अभी तो लोकसभा का चुनाव की बात है ना, लोकसभा चुनावों की बात है ना। अभी मैं जवाब देना चाहूंगा, आलोक जी जो बात कह रहे थे, आलोक जी ने अभी कहा था कि साहब ये जेल में इस्तीफा दे, देखिए अगर हम इस्तीफा दे देते आप हमारी पार्टी का भी वही तो वही वाल करने का प्रयास आप करते जो आपने महाराष्ट्र में किया है। आप हमने हर जगह एक नई मिसाल कायम की है, हर जगह हमने नई मिसाल कायम की है, हमने जो है जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव देखा, जिस तरीके से पंजाब में चुनाव जीता, अगर हम दे देते आप वही काम करते जो आपने महाराष्ट्र में किया, हमने एक नई मिसाल कायम की है कि हम नहीं देंगे, क्यों दे दे आप पहले आप यही हाल दूसरी जगह करते, अन्य प्रदेशों में करते, आप अन्य प्रदेशों में करते, हमने तमाम नई नई बात क्लीन चिट की नहीं है, हम दे दें इस्तीफा फिर आप पार्टी को तोड़ोगे, यही काम दिल्ली के बाद आप दूसरे राज्य में कर रहे हैं, तमिलनाडु में करेंगे, दूसरे पंजाब में करेंगे। हमने एक आगे के लिए एक नया ट्रेंड बनाया है, हम आपको पार्टी नहीं तोड़ने देंगे। आपको जनता ने सबक दिया था उत्तर प्रदेश में, आप क्या कहते थे, हम उनको लेकर के आएंगे जो राम को ले, कमाल की बात करते हो, वो शक्ति वो अपार शक्ति। संजीव जी मुझे आपका जवाब नहीं मिला कि अगर आप कह रहे हैं कि भाई देखिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं, सुशील गुप्ता के जितने वोट मिला उसके आंकड़े के हिसाब से कह रहे हैं कि ये तो अचंभित हुई हो गया पूरा मामला, हम तो 50-50 वाले राउंड टेबल पर बैठे हुए हैं, क्या जरूरत है हम कांग्रेस के साथ जाने के लिए? भाई इंडिया गठबंधन लोकसभा लेवल पर था, राज्य के लेवल पर नहीं है, आप ही तो कह रहे थे। भाई राहुल गांधी जी का एक प्रस्ताव आया पिछले दिनों, प्रस्ताव कहां से आया आप बताइए, इनकी बैठक हो रही थी कांग्रेस पार्टी की, उनके सर्वमान्य नेता है राहुल गांधी जी, उन्होंने प्रस्ताव रखा अगर इस तरीके से कोई इसमें संभव है तो हम उसमें बातचीत कर रहे हैं, हम पार्टनर है, जिम्मेदार रिलायबल पार्टनर है। प्रदीप सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं, देखिए वो संदीप त्रिपाठी जी और संजीव जी दोनों ने ये कहा कि भाई देखिए आप पूरी तरीके से असफल रहे, आप जाट आरक्षण से लेकर के महिलाओं को सम्मान, युवाओं को सम्मान, किसानों को पूरी तरीके से उनको रोका, कील लगाया उनके ट्रैक्टरों के आगे, उनके आगे सड़कों पर कील लगा दिया, सब कुछ हो गया। अब प्रदीप सिंह जी सवाल तो ये है ना कि आपके पार्टी में जिस तरीके से नेता सीट अनाउंसमेंट के बाद आपकी पार्टी को छोड़कर गए हैं, ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई पूरा निस्वार्थ भाव से है, सब स्वार्थ लगाए बैठे थे कि अगर सीट आई तो ठीक नहीं तो जो है हट जाएंगे, कोई तो कोई नेता तो आपके खुल करके कह रहे थे, ऐसे कैसे चुनाव लड़ा जाएगा? प्रदीप सिंह जी सर देखिए आपने एक आखिर में प्रश्न किया कि ऐसे कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, इसका उत्तर मैं देता हूं। अभी कांग्रेस के वक्ता बोल रहे थे
और शायद मेरे साथ साथ आपने और बाकी दोनों वक्ताओं ने और दर्शकों ने तो निश्चित तौर पे इनकी भाव भंगिमा, इनके शब्दों के चयन इसको देखा होगा। फिर इन्होंने बोला कि कांग्रेस पार्टी बदलती रहती है और समय के हिसाब अनुरूप चलती रहती है, शायद उसी का कारण है कि यह बदलना और चलना शायद ये भूल गए। तीन लोकसभा तीन आम चुनाव में इनकी क्या स्थिति है यह आज जग जाहिर है उस पर, और इनके इनके इतना निचले स्तर पे आके शब्दों का चयन शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसका जवाब मैं जनता पे छोड़ता हूँ। जनता अंदाजा लगा ले कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को किस प्रकार की ये बातें कहते हैं। हम लोग भी राहुल जी को बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हम कम से कम शब्दों की मर्यादा ध्यान रखते हैं और बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं होती कि ऐसा लगा कि किसी ने गांव ही उजाड़ दिया हो। अरे भाई, हम लोग वैसे नहीं है, कांग्रेस की परंपरा रही है, कितने आपने राष्ट्रपति शासन लगाए हैं राज्यों में और उसके हिसाब से, और ये जो है जिस प्रकार से ये जिस प्रकार के शब्दों का चयन किया, मैं भी भद्दे शब्दों का प्रयोग कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया, इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि कम से कम ये बीच में ना बोलेंगे, मैंने नहीं बोला था बीच में। तो जिस प्रकार की कांग्रेस की नियत और जिस प्रकार का इनका प्रदर्शन है, ये बदल चुके हैं। तीन आम चुनाव में 100 के आंकड़े को पार नहीं कर पाए, ये जनता जानती है, और जनता ने ही ये फलादेश दिया है। हम तो चुनाव लड़ने जाते हैं, और आते हैं आपके प्रश्न पे। तो देखिए सर, कि क्या होता है जब चुनाव आते हैं तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं, इस प्रकार की सबकी अपेक्षाएं होती हैं, और पार्टी अपने सबसे अच्छे कैंडिडेट को देती है टिकट। बदलाव होते हैं, परिस्थितियां होती है, क्षणिक आवेश होता है और क्षणिक फैसले भी होते हैं, तो ये तो राजनीति में चलता रहता है, ये कौन सी नई बात है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन जनता भी इस बात को जानती है कि क्या उसको करना है। आप सीधे सीधे ना देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप जनता की भावनाओं को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं से नहीं जोड़ सकते, और उसकी उसी का खामियाजा है कि तीसरे चुनाव में 14 से 24 आ गए हम और ये आंकड़े 100 के ऊपर नहीं गए, तो इनको कोई नैतिक अधिकार बनता नहीं है, बाकी जनता इसका निर्णय ले लेगी। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात रही, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक न्यूज सुन रहा था कि राघव चड्ढा जी हंसते हुए निकले बैठक से। तो देखिए, अभी सुनीता केजरीवाल जी का भाषण हमने सुना हरियाणा में, किस प्रकार के चल रहे थे वो, और अंदर सरगर्मियां किस प्रकार की चल रही हैं वो भी देखने योग्य है। ये सब बातें झुठलाई नहीं जा सकती, ये सब बातें छोड़ी नहीं जा सकती। हम पे तो हर तरह के प्रश्न होंगे, हर तरह के सवाल होंगे, क्योंकि हम तो भाई 10 साल से वहां सरकार में हैं। अब फैसला जनता करेगी, और जनता जानती है कि उसको किसका किसका फैसला करना है। जहां तक रही इनकी निम्नता की बात, तो हम लोग उस निम्नता तक नहीं जा सकते, ना ही षड्यंत्र करने में, ना ही शब्दों के चयन करने में। जहां तक ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, ज्यादा समय की बात नहीं है, थोड़े समय की बात है, ना ही कितने बार सामने ही होगा, तो देख लेते हैं ना। दिल्ली में बहुत बड़ा तोप छूट गया और लोकसभा में ये किस बात को लेकर के खुश होते हैं? अरे भाई, पहली बार मैं देख रहा हूँ आपकी सरकार नहीं बनी, आप अपने यूपी में हमारी सीटें कम हो गई, आप उस पर खुश हैं? अरे कौन सी राजनीति कर रहे हैं भाई, ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? विपक्ष में रहकर के आप ये सोचते हैं कि आप सरकार चला रहे हैं, तो भाई इस भ्रम से निकल जाइए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी बातें हैं, उसमें हम सक्षम हैं, हमारा नेतृत्व सक्षम है। ये ऐसी परिस्थितियां एक बार पहली बार नहीं बनी है, ये इसके पहले भी बहुत परिस्थितियां बनी थी। और जो चुनाव होते रहे हैं, महाराष्ट्र का भी चुनाव है, झारखंड का भी चुनाव है, हरियाणा का भी चुनाव है, हर आम चुनाव के बाद आपने देखा कि क्या स्थितियां बनी है और उसके बाद की क्या स्थितियां बनी है। ये रूल हम पे नहीं, इनके पे भी लागू होते हैं। तो आने दीजिए ना समय, और अपना इतिहास उठा के देख लीजिए। आरोपों के दम पे, मिथ्या के दम पे लोग आपने आम चुनाव में संविधान बदलने का फैलाया भ्रम, और उसके बाद के कितने कॉन्टेंट आए, कितने वीडियो आए, कितने नेताओं के वक्तव्य आए, ये देख करके जनता समझ चुकी है। और इसके पीछे का खेल क्या है, आज तकनीकी का जमाना है, सबके हाथ में फोन है और सबको खोजने में आसानी होती है। हमारे देश की साक्षरता बहुत अच्छी है और लोग खोज लेते हैं कि किसका क्या कर्म है। ठीक है, एक सत्यमित भाषा का प्रयोग कर करके जनता जानती है कि किस प्रकार से उसका काम होना चाहिए। और मैं बड़े घोर आपत्ति व्यक्त करता हूँ दुबे जी, मैं घोर आपत्ति व्यक्त करता हूँ, ये कांग्रेस के मित्र है, अरे छपड़ी टाइप नेता है क्या? कुछ तो सर ऊपर करिए। एक रील बनती है छपरी टाइप लोगों की और एक प्रोफेशनल लोग बनाते हैं, कम से कम शब्दों का चयन ऐसा करिए। हम भी अपनी गुस्सा जाहिर करते हैं राहुल गांधी जी के ऊपर, लेकिन हम लोग इतने नीचे नहीं गिरे, कम से कम हो नहीं गया। इस तरह का जवाब ना दीजिए आप, आपके बस की बात नहीं है शब्दों का सही चयन कर पाना। तो मान लीजिए कि आप क्षण दीजिए, मैं आवेश में आकर गलत शब्दों का चयन नहीं करूंगा मैं। ठीक है प्रदीप जी, सेकंड में, ठीक है जल्दी से अपनी बात रखिए जल्दी से। देखिए अभी बात आई कि मोदी जी का क्या, कौन सा डाउन हो गए, कौन से वो जो है आ गए, कि कैसी बातें कर रहे हैं।
आप बताइए कि मन की बात हर महीने होती थी, हो रही है या बंद हो गई? अरे आपको पता नहीं हो रही है, अभी भी हो रही है, शायद आपके रेडियो की बैटरी खत्म हो गई होगी, हो रही है, सुना करिए, ज्ञान बढ़ेगा आपका। अभी 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 हमको पता है तंत्र क्रिया का सर है। तो सर मोदी जी पहले तेरे ट्रेन में घुसते थे तो दूसरा कपड़ा पहन के, निकलते थे दूसरा पहन के, ये हो रहा है क्या? जिस तरीके से हम सारा दिन उनको टीवी पर चैनल खोलते थे तो देखते थे, क्या दिखते हैं क्या? चौथी चीज, तीन चीज इनको वापस पड़ी, तीन अपने निर्णयों को इनको इसी इतने दिन के बीच में वापस लेना। ठीक है संदीप जी, हम इस पर एक सेकंड, मैं इस पर आऊंगा। देखिए आलोक जी का समय है, संदीप जी मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, आप अपनी बात रख लीजिएगा। मैं आपको 10 सेकंड दिया था सर, पूरा एक मिनट हो गया। मैं आपके पास आऊंगा, मैं आलोक जी के पास जा रहा हूं। आलोक जी, ये हरियाणा का विधानसभा ये जो चुनाव है, आज जो ये बीजेपी आलाकमान की तरफ से आया कि भाई विनेश फोगाट बजरंग पुनिया को लेकर कोई बयानबाजी अब नहीं होगी, पूरी तरीके से सब लोग, क्या विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का जो सिंपति वाला कार्ड है, वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल ने जीत पाने वाला वो सिंपति है लोगों का, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा डैमेज कर सकती है? और दूसरी तरफ ये जब लाइन लगा के एक लंबी फेरिस्त तो इनके नेताओं की पार्टी छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या बीजेपी को वो फायदा, वो एज जो हम देखते हैं बाकी विधानसभा चुनाव में, वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? खास करके जब महिला पहलवान से लेकर किसान हो, हमने देखा कि सड़कों पर कितना ज्यादा हंगामा हुआ, इसको लेकर विधानसभा चुनाव ये जा रहा है किस तरफ जा रहा है, आपका आकलन क्या कहता है? ब्रिजभूषण वाले मामले पर आपकी क्या राय है आलोक जी? देखिए मेरा मानना है कि फोगाट के मैटर पे भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये संदेश चला जाए कि फोगाट जो आंदोलन कर रही थी वो पलटा है, लेकिन अगर फोगाट को लेकर के व्यक्तिगत बयान हो गए तो जनता जो पॉलिटाइज वाला मैटर है, जो बैकग्राउंड से कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही थी, ऐसा जो एक इमेज बन रही है उसका नुकसान हो सकता है। तो फोगाट को सिंपैथी तब ज्यादा मिलेगी अगर उस पर व्यक्तिगत हमला ज्यादा किया जाए। जहां तक मैं समझ पाया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्यों रोका, इसलिए रोका कि अब वो संदेश जनता तय करे कि जो महिलाओं का आंदोलन हुआ था उसमें जो क्या कांग्रेस का पॉलिटिकल बैकअप था, क्या इन्हें कांग्रेस पार्टी में आना था इसलिए आंदोलन किया, क्योंकि जो ब्रजभूषण सरन थे और रूल ऑफ लॉ के तहत ही तो जेल जाएंगे, रूल ऑफ लॉ के तहत ही तो उनके पर कार्रवाई होगी, या ब्रजभूषण सरन सिंह और महिला उस छेड़छाने के आरोप में दूसरा कोई दंड की व्यवस्था की जाए और बाकी पूरे भारत के लोगों के लिए दूसरी कोई दंड की व्यवस्था, रूल ऑफ लॉ तो ऐसी होगा ना। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी उस पर फूक फूक के कदम रख रही है, जो जनमानस में एक संदेश जा सकता है कि फोगाट राजनीति में आने के लिए आंदोलन कर रही है, इसको खत्म करने से यह संदेश कमजोर हो सकता है। जो दूसरा प्रश्न आपका है कि भारतीय जनता पार्टी को 250 करीब छोटे बड़े नेता गए, बड़े कई दर्जन नेता चले गए छोड़ के, तो भारतीय जनता पार्टी की इमेज कमजोर हो सकती है, चुनाव हार सकती है। उससे आपके दर्शकों को समझ में आएगा, वेस्ट बंगाल में बीजेपी की तरफ भंडल मची थी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में टीएमसी के बहुत बड़े बड़े नेता, छोटे बड़े नेता, कई दर्जन नेता टीएमसी में आ गए, और ऐसा लग रहा था उस भंडल को देख करके कि टीएमसी चुनाव हार जाएगी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतते जा रहे, लेकिन हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटें नहीं मिली, शायद 75 या 78 सीटों में ही भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में सिमट गई। इसलिए नेताओं की भगदड़ से ये अंदाजा लगाना कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है, ये पूरा बंगाल ने सिद्ध किया। लेकिन हाँ, एक संकेत मिलता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 10 साल से शासन में है, अंततः वक्तव्य में अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा और कई नेता बीजेपी को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन कई नेता रो रहे हैं कटने पर, तो ये जब रो रहे हैं वो अगर कमजोर स्थिति में होता, हारने की स्थिति में होता तो रोते क्यों? लेकिन और क्या कहा है, इसका ये भी संदेश है इतनी बड़ी मात्रा में कि कहीं बीजेपी कमजोर तो नहीं है, 10 साल की एंटी इंडिपेंडेंसी के बाद और मुझे पार्टी वैसे भी कमजोर होती है, वो एक्सटर्नली प्रयास करे हरियाणा जैसे राज्य पे तब वो जीतती है। देखना यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो अभी दिखती लग रही है, मुझे भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो यूनिटी नहीं दिख रही है जो थर्ड टर्म के लिए उसे गुजरात जैसा राज्य में अभी चुनाव जो ममता बनर्जी से कर रहे हैं, वैसा कोई चमत्कार वो कर पाएगी
या कांग्रेस जो है रून कर जाएगी ये समय बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में यूनिटी की अभी थोड़ी सी कमी है। राज्य और केंद्र के नेतृत्व में जो और अच्छा हो तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जबकि असंभव जैसा टास्क है हरियाणा जैसे राज्य में तीसरी बार सरकार बनाना वो प्राप्त कर सकती है। ठीक है आलोक जी, ठीक है मैं आपके पास आऊंगा। संजीव जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए संजीव जी, जिस तरीके से इस वक्त हरियाणा में आप ही के नेता ये कह रहे हैं कि भाई देखिए हमें कुछ जरूरत नहीं है कांग्रेस के साथ जाने से, क्योंकि कांग्रेस के साथ गए तो सारा दाल चावल पूरी तरीके से खिचड़ी हो जाएगा, मतलब खिचड़ी मच जाएगा, अब आपके नेता कह रहे हैं। लेकिन ऊपर के जो नेता हैं, मतलब ये राघव चड्ढा और फिर आतिशी फिर आपके मुखिया, ये सबके सब पूरी तरीके से माहौल बना रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि देखिए भाई इनकी एक भी सीट तो है नहीं, अब ये कह रहे हैं कि भाई हमें 20-25 सीट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2-5 सीट पर बात बनेगी। अब सुशील गुप्ता जो कह रहे हैं उसी को मान लीजिए कि भाई 1-1 करके देख लेते हैं ना। ऐसा है, देखिए क्या नाम है शिवम जी, जी आपने देखा होगा जब हम लोगों ने पार्टी बनाई थी 2012 में और 2013 में पहले दिल्ली में, सब में सारे लोग इनकी इनका कुछ नहीं है, इनकी कोई नहीं है, हम 28 सीट जीत करके आए। दूसरी बार आपने देखा हम 67 सीटें जीतते, तीसरी बार 62 सीटें, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये गठबंधन धर्म का हम सम्मान कर रहे हैं, अगर एक प्रपोजल आया है तो उसमें बैठ करके एक सार्थक चर्चा हो रही है। भाई अगर गठबंधन में है तो ये तो एक दूसरे का फर्ज है, धर्म है, क्या बोलो जो भी बेहतर कर सकते हैं जो भी एडाउन कर सकते हैं वो करें, तो ये चर्चा इसी बात पे हो रही है और इसी पॉइंट पर कर कोई ना कोई निर्णय आ जाएगा, अन्यथा ऐसा करता ही नहीं है। आम आदमी पार्टी इस समय राष्ट्रीय पार्टी है और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, आप सुन लीजिए। आपने चुनाव के बाद गठबंधन से निकलने की घोषणा की थी सर, अरे दिल्ली में की बात हुई थी, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने कहा था, आपने कहा था कि तलाक हमारा इंजीनियर नहीं चुनाव के बाद, ये बात हमेशा इसकी गुंजाइश बनी रहती है कि अलग अलग विधानसभा के जब भी कहीं चुनाव होंगे तो वहां की क्या परिस्थिति होगी, क्या स्थिति होगी, तो उसी के हिसाब से कोई एक यूनिक सा तो फार्मूला है नहीं कि साहब साइज का सीरिया लो साहब उसका सीरिया लो, बाहर जा रहे हैं नहीं है इसमें, बहुत सी चीजें कही गई थी, बहुत सी चीजें बहुत से लोगों ने कही थी, ये समय के अनुसार जो है उसमें जो है बदलाव होते रहते संशोधन होता रहता है, तो उसमें अगर कोई गुंजाइश है तो उसी बात पर तो चर्चा हो रही है, चर्चा उसी बात पर हो रही है, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है कि आम आदमी पार्टी बढ़ नहीं रही है, आम आदमी पार्टी का विस्तार नहीं है। अगर आपका गठबंधन नहीं होता है तो आप इंडिया अलायंस में रहे माने जाएंगे या इंडिया अलायंस से बाहर माने जाएंगे अगर गठबंधन नहीं होता है तो? भाई इंडिया में तो हम सही है ना, ये बाहर अंदर वाली बात कहां से आ गई, बाहर अंदर वाली इंडिया के हम पार्टनर हैं, संजीव इंडिया जी, के पार्टनर हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। कितनी सीटें बना लेंगे, कितनी सीटें चाहिए आपको, एक प्रस्ताव पर दुबे जी, आप कितनी अगर गठबंधन में आते तो कितनी सीटें बना लेंगे, वो वहां पर बैठे तो है, वही तो मैं कह रहा था ना, वो वही बोल देंगे वहां बैठक हो रही है, वो आला कमान तय करेंगे कि कितने सीटों पर लड़ाई होगी। ठीक है ठीक है ठीक है प्रदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए जैसे हमने लोकसभा चुनाव में एक नारा सुना भैया आपकी बार 400 पार, ये हरियाणा में आपकी बार कितना पार सर? सरकार बन रही है हमारी सर? नहीं मतलब कुछ तो आंकड़ा होगा महाराज, 10-20-50। अरे सर आप ये बताइए कि सरकार बनती है आधे से एक ज्यादा पे, तो हमने अपनी रणनीति बदल दी है, हमें सरकार बनाने से मतलब है, मतलब इस बार कमिटमेंट नहीं है कि हम इतना ले आएंगे क्योंकि हमने लोकसभा में नहीं, आपके इस कमिटमेंट वाले शब्द से आपत्ति है मुझे, हमारी तैयारी है कमिटमेंट, ओवर स्पीकिंग कोई कमिटमेंट नहीं होता है कांग्रेस की, वो बात कांग्रेस की है, कांग्रेस को रहने दीजिए, आम आदमी पार्टी तो बिजली शिक्षा देखिए बहन जी कैसा भाषण दे रही थी, हम सरकार बना रहे हैं और भरोसे के साथ बना रहे हैं, और ये जो घटनाएं बीते समय में घटी हैं जनता ने उसका कॉग्निजेंस ले रखा है और जनता को भी पता है। ये लड़ाई है इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में, खास करके तब जब आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक हो जाए, ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सर कांग्रेस आम आदमी पार्टी का देखिए अभी आदरणीय भाई साहब ने कुछ बातें बताई कि कांग्रेस अगर इतनी मजबूत होती तो गठबंधन करने को क्यों दौड़ती, और आम आदमी पार्टी में इतना अगर साहस होता, ये बड़ी एक लाइन में बड़ी साफ सुथरी बात कह दी उन्होंने कि अगर आम आदमी पार्टी के इतना ही दम होता तो वो भी सरकार बनाने का दावा करते, क्यों क्यों गठबंधन की बात क्यों कर रहे हैं? प्रदेश का चुनाव है ना, ये देखिए इस प्रकार के चैलेंजेस हर प्रदेशों में किसी न किसी रूप में रहते ही हैं,
ये कोई नई बात थोड़ी है, कोई नई बात होती, कुछ ऐसी आपदा विपदा आ जाए तो वो बात दूसरी होती है। लेकिन आप ये बताइए कि नया क्या है, आम आदमी पार्टी कौन से नए इस बार के स्टेटमेंट दे रही है या कांग्रेस पार्टी क्या नया क्या कर रही है? अकेले में हैसियत है कांग्रेस पार्टी की चुनाव में लड़ने, चुनाव लड़ने की हरियाणा में? आप बताइए, सिंपल सीधा फॉर्मूला है। चलिए, किस प्रकार से क्या हुआ, नहीं एक सेकंड, पांच सेकंड और लेना चाहूंगा। हाँ, कि वो जो घात होता है जनता के साथ, विचारों का घात होता है, तो वो जनता समझ चुकी है कांग्रेस घात करने के लिए देश के साथ और देश की जनता के साथ हमेशा जानी जाती है। ठीक है, और आम आदमी पार्टी तो उनके साथ कुछ है ही नहीं। देखिए, समय का थोड़ा अभाव है, चर्चा यही रोकनी पड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने होने के लिए और शामिल होने के लिए। प्रदीप जी आपका भी, संदीप जी आपका भी, संजीव जी आपका भी और आलोक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हरियाणा में दंगल मचा हुआ है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का बैठक लगातार चालू है और ये कहा जा रहा है कि अब हो या तब कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है कि गठबंधन में या बैठक में क्या कुछ होने जा रहा है। अब देखना होगा हरियाणा का विधानसभा चुनाव किधर जा रहा है, ये बेहद दिलचस्प होगा देखना। चर्चा में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।